थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि त्रिपाठी, प्राणी विज्ञान विभाग से, शाहजहांपुर SSPG कॉलेज से आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो विषय है सुदेवानंद पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम मिशन शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत आज इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस विचार गोष्ठी का विषय है मनोचिकित्सा। तो आज इस विषय पे मनोचिकित्सा संदर्भ में शारक सर, मुझे लगता है मैडम का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है लग रहा है मैडम की। उसमें तो क्या हम लोग आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज के हमारे सलीम सर, आवाज नहीं आ रही है मैडम की बिल्कुल भी यार। मुझे लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो हम सीधे आज हमारे बीच में, मैं छोटा सा परिचय, डॉक्टर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, डॉक्टर शेखर राजपूत जी, आगरा से हैं आप। एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं उनका प्रस्तुत करना चाहूँगा। डॉक्टर शेखर राजपूत जी PhD हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिस्ट सोशल वर्क, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल, आगरा से। और आपने शोध किया है, जो आपका शोध का विषय है वो कुछ इस प्रकार से है, ए कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ जापानीज एनसेफेलाइटिस एंड स्ट्रोक ऑफ पेशेंट्स। डॉक्टर साहब के लगभग 26 पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं और
आपने लगभग 11 पेपर्स प्रेजेंट किए हैं अलग अलग सेमिनार्स में, लगभग 21 वर्ष का आपको शायद मैं अगर ठीक हूँ तो अध्यापन और प्रैक्टिस का अनुभव है। ये एक छोटी सी जानकारी है डॉक्टर साहब के बारे में, बाकी मनोचिकित्सा के संदर्भ में आज डॉक्टर साहब अपना उद्बोधन देंगे। मैं बगैर बहुत ज़्यादा भूमिका बांधे हुए सीधे सीधे डॉक्टर साहब को इनवाइट करता हूँ कि वो डॉक्टर साहब हमारे बीच में आएँ और डॉक्टर शेखर राजपूत और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। ओवर टू डॉक्टर शेखर राजपूत सर। को नमस्कार, मैं डॉक्टर शेखर राजपूत, जैसा कि आपने संक्षिप्त में अभी परिचय दिया। मैं सबसे पहले बिना किसी भूमिका के अनुरोध करूंगा कार्यक्रम के होस्ट महोदय से कि कृपया स्लाइड को रन कर दें ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। तो मित्रों, आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही बृहद क्षेत्र है, 15 मिनट में इसको समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम पहली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य, हाँ, मानसिक रोग क्या है और शारीरिक रोग से ये भिन्न कैसे है। तो ऐसे विकार जो आपकी मनोदशा, सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मानसिक रोग में व्यक्ति की थिंकिंग में, थॉट में और बिहेवियर में परिवर्तन आ जाता है, यानी उसकी सोच, विचारों और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। और सबसे मेन बात, मानसिक रोगी में रोग के प्रति अंतर्दृष्टि का अभाव पाया जाता है। अंतर्दृष्टि, जिसको हम इंसाइट कहते हैं। द पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट देयर इलनेस, उनको अपने लक्षणों का, अपनी बीमारी का, अपनी मानसिक स्थिति का आभास नहीं होता है। इसी तरह ये शारीरिक रोग से भिन्न होते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि शारीरिक रोग के व्यक्ति को अगर कोई भी शारीरिक तकलीफ हो जाती है, बुखार आता है या कहीं दर्द होता है या पैर में कुछ चोट लग जाती है, तो उसको आभास हो जाता है कि मुझे फलां तकलीफ है और वो उसी के अनुरूप अपना उपचार कराता है। लेकिन मानसिक रोगी को इस तरह का आभास नहीं होता, क्योंकि आभास कराने वाला जो शरीर का अंग है वो है दिमाग। और जब दिमाग के अंदर ही कोई इस तरह की समस्या हो जाए, केमिकल इम्बेलेंस हो जाए, और तो फिर कोई हमारे पास वैकल्पिक दिमाग तो है नहीं जो ये बता दे कि आपका दूसरा वाला दिमाग गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट पेशेंट में नहीं होती है, इसलिए ये शारीरिक रोगों से इस मामले में भिन्न होता है। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट का उपचार होता है, वैसे वैसे पेशेंट में अंतर्दृष्टि का जागरण होता रहता है। जैसे जैसे इनसाइट बढ़ती रहती है, वैसे वैसे पेशेंट सही होने की ओर बढ़ता है और उसमें इस बात की अंतर्दृष्टि आने लगती है कि मुझे क्या हुआ था और मैं क्या व्यवहार कर रहा था। जबकि इनिशियल स्टेज पे अगर कोई क्रॉनिक साइकेटिक पेशेंट है, अगर आप उसको देखेंगे, अगर आप उससे पूछेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे कोई दिमागी बीमारी है। हमेशा यही कहेगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, घर वाले जबरदस्ती लाए हैं, या मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, मेरे खिलाफ ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये होते हैं मानसिक रोग। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मानसिक रोग की भारत में स्थिति, कुछ आंकड़े आपके आपको संज्ञान में लाते हैं कि WHO के अनुसार भारत की 135 करोड़ आबादी में 7.5% यानी 10 करोड़ मानसिक रोग से प्रभावित हैं। बहुत बड़ी संख्या है। 5 में से 1 भारतीय किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रसित है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 17 करोड़ मनोरोगियों की संख्या है जो किसी न किसी मानसिक रोग से, किसी अन्य शारीरिक रोग के रोगियों की संख्या से बहुत ज्यादा है। लेकिन इस रोग के विषय में जागरूकता, इस रोग के विषय में उपचार की सुविधाएं, संसाधन, प्रोफेशनल नगण्य है। अगला कारण जो बहुत मुख्य है वो है सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा, इस रोग के प्रति शर्मिंदगी, बदनामी, हास्य का विषय के रूप में इसको लिया जाता है। और सोशल स्टिग्मा के कारण 90% रोगी को उपचार मिल ही नहीं पाता। मानसिक विकारों से प्रभावित 99% भारतीय देखभाल और उपचार को जरूरी मानते ही नहीं है। ये है मानसिक
रोगों के विषय में कुछ आंकड़े। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मानसिक रोग की पहचान उनके लक्षणों के आधार पर और उनके परिजनों के द्वारा रोग के इतिहास के आधार पर की जाती है। मानसिक रोगियों की पहचान के लिए ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट जैसे कि और बीमारियों में ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई ये वो जांच कराई जाती हैं, लेकिन मानसिक रोगों की पहचान सिर्फ लक्षणों के आधार पर, रोगी के व्यवहार के आधार पर और रोगी के जो परिजन हैं वो उसके जो लक्षण बताते हैं उनके आधार पर की जाती है। इसीलिए मानसिक रोग शारीरिक रोगों से भिन्न होते हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मानसिक रोगों के उत्प्रेरक यानी कारण, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंटल इलनेस। मानसिक बीमारियों की वजह क्या होती है उनके बारे में जानेंगे शॉर्ट में। मनोसामाजिक कारण, पारिवारिक कारण, लड़ाई झगड़े, घरेलू हिंसा, बचपन के बुरे अनुभव, व्यसन यानी किसी भी तरह का नशा करना, भांग गांजा दारू चरस कोई भी नशा करना जो कि दिमाग में सीधे केमिकल इम्बेलेंस कभी भी कर सकता है। दुर्घटना, कोई भी तरह की दुर्घटना, नेचुरल कैलेमिटी जिससे पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी हो जाती है। शारीरिक कोई कारण, जैविक बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस के बाद मानसिक रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कुछ रोगियों में। आनुवंशिक कारण और जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं। तो व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां हमेशा आती रहती हैं दोस्तों, लेकिन कुछ व्यक्ति उनको कोप कर पाते हैं, कुछ हैंडल कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते वो तनावग्रस्त जीवन की ओर बढ़ते जाते हैं और मानसिक रोग की ओर बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानसिक रोग के उपचार क्या होते हैं, बीच में समझा रहा हूँ। सबसे पहले दवाइयां, दवाइयों के बाद विद्युत उपचार जिसको ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। विद्युत उपचार बहुत ही कम मानसिक रोगियों को दिया जाता है और ये बिल्कुल खतरनाक नहीं होता जैसे कि आम लोगों में धारणा है कि बिजली के शॉट लगेंगे, झटके लगेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। विद्युत उपचार सिर्फ उन्ही रोगियों में दिया जाता है जिनमें दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं आता है या जो साइकेटिक इमरजेंसीज होती हैं जैसे जिन सीवियर डिप्रेसिव पेशेंट में जहां आत्महत्या की तीव्र प्रवृत्ति होती है वहां हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इंतजार कर सकें कि रोगी को दवाई देकर इंतजार कर सकें कि रोगी कब सही होता है, उस दौरान रोगी आत्महत्या कर सकता है। इसलिए उस समय में तो ECT बहुत ही सुरक्षित होता है। इसके अलावा जो सपोर्टिव थेरेपीज होती हैं, सहायक मनोवैज्ञानिक उपचार विधियां होती हैं, कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ दवाई काम नहीं करती, वहां फिर मनोवैज्ञानिकों का काम शुरू होता है। सपोर्टिव थेरेपीज होती हैं, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या और भी थेरेपीज होती हैं, काउंसलिंग है, तो वो सब दी जाती हैं। इसके बाद फाइनली जब पेशेंट सही हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है, तो उसको हम पुनर्वास की ओर ले जाते हैं यानी वो समाज की मुख्य धारा में अपना ले जाने का प्रयास करते हैं। ये पूरा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होता है। तो लक्षणों के आधार पर पेशेंट को पहले डायग्नोज किया जाता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करी जाती हैं और फिर पुनर्वास की ओर ले जाता है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं की, अब महिलाओं की जो कि आज का विषय है, महिलाओं की स्थिति को भी जान लेते हैं कि भारत में महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। 2014 की टोटल सुसाइड्स में, आत्महत्याओं में भारत में कुल 2,00,000 गृहिणियों की आत्महत्याओं की संख्या नोट की गई थी जो कि भारत में किसानों की आत्महत्या से बहुत ज्यादा है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार 2016 में उन्होंने कहा था अपनी रिपोर्ट में कि मानसिक रोगी होने पर महिलाओं का तिरस्कार कर दिया जाता है और उनका परित्याग कर दिया जाता है अधिकांश केसेज में। भारत में 2/3 महिलाएं घरेलू हिंसा का लंबे समय तक शिकार होने के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाती हैं। ये कुछ कारण हैं वर्तमान में महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति की। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में मानसिक रोग के प्रति सामाजिक धारणा। 43% भारतीय मानसिक रोग को सामाजिक कलंक समझते हैं। 68% भारतीयों के अनुसार मानसिक रोगी किसी काम के नहीं रहते। 26% भारतीय लोग कहते हैं कि मानसिक रोगियों को छोड़ देना चाहिए और 99% भारतीय मानसिक रोगियों के परिजन मानसिक रोगियों को एक शर्मिंदगी या अभिशाप मानते हैं। लोगों की असंवेदनशीलता इस रोग के प्रति इस कदर है। आगे बढ़ते हैं।
महिलाओं में मानसिक रोग के जो मुख्य कारण होते हैं, किशोरावस्था की समस्याएं, बचपन के बुरे अनुभव, शारीरिक परिवर्तन, हार्मोनल परिवर्तन, यौन शोषण या विवाह के पश्चात गर्भावस्था, प्रसव के कारण जो हार्मोनल परिवर्तन होता है, डिलीवरी के बाद में पोस्टपार्टम साइकोसिस नाम की दिमागी बीमारी कुछ महिलाओं में हो जाती है, वैवाहिक जीवन में तनाव, कार्यालय में अथवा घर में खराब वातावरण, दुर्व्यवहार, आत्मसम्मान में कमी, परिवार का समर्थन नहीं मिलना, ये महिलाओं की वर्तमान में स्थिति है। मित्रों, हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की बेहद कमी है। जहां तक महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की बात है, हालात कहीं ज्यादा खराब है। ज्यादातर स्त्रियां अपनी किसी भी तरह की बीमारी को छुपाकर रखने या कम करके बताने पर कंडीशनड है। बहुत ही बुरी स्थिति है। अपने संपूर्ण जीवन काल में महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, असुरक्षित शारीरिक संबंध, विवाह, गर्भावस्था, प्रसूति, स्तनपान, संतान का पालन पोषण, बुजुर्गों की देखभाल, इसके साथ साथ अधिकतर महिलाएं अब कामकाजी या नौकरी वाली भी हैं। इन सबकी जिम्मेदारियों को समाज उन महिलाओं को सुपर वुमन कहकर उन पर लाद तो देता है, लेकिन उनसे उनके जीवन पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं के मानसिक रोग के प्रकार। मानसिक रोग दोस्तों बहुत सारे होते हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। अवसाद, डिप्रेशन, जिसमें आत्महत्या की तीव्र प्रवृत्ति होती है। 60% आत्महत्याओं की दर अकेले एशिया में होती है, और जिसमें इंडिया नंबर वन। दूसरा, दुश्चिंता यानी एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी बाध्यता रोग कहते हैं, बीपीएडी होता है, बाइपोलर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसके अलावा साइकोसिस और डिफरेंट टाइप की स्किज़ोफ्रेनिया होता है। कुछ मोटे मोटे लक्षण मैं आपको इन बीमारियों के बता देता हूँ, उसी पे आएंगे अभी। कुछ लक्षण मैं बता देता हूँ आपको जो कॉमन होते हैं, जैसे कि नींद ना आना, भूख न लगना, जो डेली लिविंग एक्टिविटीज है दैनिक क्रिया में उसमें कुछ डिस्टरबेंस होना, लैक ऑफ वर्क इंटरेस्ट, काम में मन न लगना, दुखी रहना, मुंह लटका के बैठे रहना, अकेले बैठे रहना, इरिटेबिलिटी, इधर उधर घूमना, बड़बड़ाना, अपने आप से बातें करना, कानों में आवाजें आना, कूड़ा कचरा इकट्ठा करना, अपने हाथों को या किसी भी घर के सामान को या घर को बार बार साफ सफाई करना, छुआछूत मानना और एग्रेसिव या वायलेंट बिहेवियर शो करना, ये सब कुछ मोटे मोटे लक्षण हैं मानसिक रोगों के। अब आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। मानसिक समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं उपचार के अलावा? मानसिक समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति को हमें सिंपैथेटिक बिहेवियर करना चाहिए, उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा होता, अंतर्दृष्टि नहीं होती है, तो उनके व्यवहार को धैर्यपूर्वक समझ के उसी अनुसार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। प्रभावी संवाद उनसे रखना चाहिए, क्योंकि बेस्ट काउंसलर केवल रोगी के परिजन ही हो सकते हैं किसी प्रोफेशनल की बजाय, अगर वो ठीक से पेशेंट को डील कर सकें तो। रोगी को भावनात्मक और सामाजिक सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है, वो देना चाहिए, धैर्यपूर्वक व्यवहार करें। आत्मविश्वास में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो रोगी के अंदर आ जाता है, उसको बढ़ाने के लिए उसको मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें। इसके अलावा रोगी को रिक्रिएशनल, ऑक्यूपेशनल, खेल कूद, मनोरंजन, दैनिक क्रियाकलापों में इंगेज करने हेतु प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, ताकि वो दोबारा से समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके, जीवन के प्रति सकारात्मक सोच एवं रवैया पैदा करें। लेकिन सबसे मुख्य चीज दोस्तों, मानसिक रोगी का नियमित उपचार अवश्य कराएं और रोग के उपचार हेतु विशेषज्ञ द्वारा बताए गए निर्देशों का अवश्य पालन करें। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मानसिक समस्या एक सच्चाई है, उतनी ही बड़ी जितनी कि किसी व्यक्ति को दिल की, फेफड़े की या कोई और आम बीमारी की होती है। जितना जल्दी समस्या को स्वीकार कर लिया जाए, उतना जल्दी एक बेहतर मानसिक रूप से स्वस्थ समाज की नींव पड़ेगी, और महिलाओं को अपने इस जरूरी अधिकार के लिए सचेत और मुखर होना ही होगा। थैंक यू सो मच। बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो स्वागत है। यदि कोई बच्चा डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहता है तो हैंड रेज कर दे, मैं उसको
अनम्यूट कर दूंगा। दामिनी आप सवाल करें। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा। हाँ बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर पुरुषों की अपेक्षा सर महिलाएं ज्यादा डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, सर ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या है कि डिप्रेशन को हम लोग जो आम लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। हमारे सभी के जीवन में कभी ना कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, और विपरीत परिस्थितियों में अगर हम कुछ समय के लिए उदास हो जाते हैं या दुश्चिंता घर कर लेती है, या लेकिन वो जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां सही होती हैं हम पुनः अपने सामान्य जीवन में लौट जाते हैं, तो वो स्थिति हम डिप्रेशन एज ए पेशेंट नहीं कहेंगे। लेकिन लंबे समय तक कंसिस्टेंटली कोई सिम्टम्स बने रहते हैं, चाहे वजह हो या ना हो, तब हम उसे डिप्रेशन की बीमारी कहते हैं। तो महिलाओं की, जहां तक आपने पूछा कि महिलाओं के साथ ज्यादा क्यों, क्योंकि महिलाओं का जीवन जैसे कि मैंने अभी बताया, उनका अधिक जिम्मेदारियों वाला और तनाव भरा जीवन होता है। उनको घर की, बाहर की, अब आजकल तो कामकाजी भी सभी महिलाएं हैं अक्सर, तो उनके ऊपर तनाव बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, और जिम्मेदारियों के अलावा उनको बहुत सारी ऐसी चीजें भी सहनी पड़ती हैं जो पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को नहीं सहनी पड़ती। तो यही वजह है कि चूंकि महिलाएं ज्यादा वो कोप नहीं कर पाती हैं, और उस तनाव की वजह से उनको रोग, अवसाद रोग ज्यादा होता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई बच्चा कोई प्रश्न करना चाहता है? आई थिंक शायद अभी कोई क्वेरी नहीं है। नहीं, एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, रेनू देवी। हाँ रेनू बेटा, आप सवाल करें। सर अभी दामिनी ने पूछा था कि ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, लेकिन सर इसको हम कैसे, आपकी आवाज गायब हो गई। बेटा आपकी आवाज कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा से प्रश्न कीजिए आप अपना। हेलो हेलो। हाँ पहले बेटा हेलो, आप अपना प्रश्न टाइप भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में, यदि और कोई प्रश्न करना चाहता हो तो। मुझे लगता है सर शायद ये बच्चा सवाल इसका नेटवर्क में कुछ नेटवर्क इशू है कुछ। मैं आई रिक्वेस्ट डॉक्टर निधि त्रिपाठी टू टेक ओवर। बहुत अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। हेलो आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, प्लीज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा ये आज का प्रोग्राम ज्वाइन किया, और आप इसी के साथ मैं जी सर आज और इसी के साथ आज मैं अपने प्रोग्राम के एक और अतिथि डॉक्टर प्रभा शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ। वे मैं पहले भी उनका परिचय आपको दे चुकी हूँ, तो मैं कार्यक्रम में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ इनवाइट करती हूँ कि कृपया वो इसको ज्वाइन करें और अपने विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रभात शुक्ला सर। धन्यवाद निधि जी। जैसा कि आज आप लोग जान ही रहे हैं कि ये महीना जो चल रहा है वो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस इसी महीने में बढ़ता है, 10 अक्टूबर को होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो मानसिक तनाव या बीमारी, इसको हम कह सकते हैं बीमारी, इसको नहीं कहते हैं, ये
ऐसी बीमारी या ऐसी समस्या है कि जो होती है, डॉक्टर ने बताया जो होती है पर दिखती नहीं। आपको बीमारी है, पैर में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, बुखार आ गया, जुकाम हो गया, सिम्टम तो दिखते हैं ना किसी के, तो उसकी तो इलाज किया जा सकता है। और ये ऐसी बीमारी जिसमें बीमारी है पर पता नहीं, और अगर घर के लोगों को पता भी है, सदस्य को पता भी है कि आपको ये कुछ समस्या आ रही है, तो मरीज मानने को तैयार नहीं होता, नहीं नहीं ऐसा है ही नहीं। पहले तो जो है घर के लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं, फिर अगर उन्हें लगता भी हाँ अरे अरे कोई समस्या इनको है भी, इनका व्यवहार सामान्य नहीं है, असामान्य व्यवहार कर रहा है, तो जो मरीज है वो तैयार नहीं मानने को, सुनने को तैयार नहीं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, सब लोग खराब है लेकिन हम सही हैं। तो अब क्योंकि ये हम लोगों का जो टीचिंग प्रोफेशन में हम लोगों जो आमना सामना लड़कियों से या क्लास की जो विद्यार्थी हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, स्टूडेंट हों, उनसे होता है, तो ज़्यादा ध्यान हमको इस पर देना चाहिए कि इनमें क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या कारण हो सकते हैं। लड़कियां या लड़के दोनों परेशान रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं कि वो परेशान है। एक तो समस्या ये है कि वो परेशान है, पर लेकिन परेशान उन्हें नहीं पता कि हम परेशान भी हैं। कोई चुप रहता है, कोई बोलने किसी का, कई ऐसे विद्यार्थी होंगे, कई लड़कियाँ ऐसी होंगी जिनका किसी सहेली से अपने घर में परिवार में बोलने का मन नहीं हो रहा है, कोई ज़्यादा बोल रहा है, कोई कई ऐसी समस्या आ जाती है तो कोई रोना शुरू कर देता है। अभी क्लास में हम लोग ऐसे जनरली बात देखते हैं, तो अभी छोटी सी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, तो अब क्या करना, अपना कुछ नहीं तो अपना यही सही, अपना रोना वोना शुरू कर दिया उन्होंने, और लोग पूछते हैं अभी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तो तब उसकी समझ में आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखते हैं बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अभी आपने चार महीने तक चलता रहा, तीन चार महीने सुशांत राजपूत का केस सबने देखा होगा। अब उसके पास तो क्या नाम भी था उसके पास, पैसा भी था उसके पास, परिवार भी उसके पास था, दोस्त भी उसके पास थे, लेकिन ऐसी क्या स्थिति होगी कि जो है अब उसको ये डिसीजन लेना पड़ गया कि सब कुछ होते हुए लोग कहते हैं कि अरे परेशानी इसलिए है, पैसा है, पैसा नहीं इसलिए परेशान है आदमी। तो अब ऐसा इसका कारण तो ये नहीं है कि जो है बहुत से उद्योगपति देखे गए हैं, कई लोग ऐसे ऐसे बड़े इंडस्ट्री वाले लोग देखे गए हैं कि उनके पास बहुत पर्याप्त पैसा होता है, कलाकार जितने उनका तो नाम बहुत ज़्यादा, समाज में जहाँ जाते हैं भीड़ लग जाती है, ऑटोग्राफ लेने वाले भीड़ लग जाती है, करोड़ों रुपये उनके पास होता है, लेकिन वो जो है आत्महत्या कर लेते हैं। अभी अखबार पढ़ते डिप्रेशन के शिकार हो गए बहुत, अब ज़्यादा मुझे लगता है तो जो इतने फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। तो स्टूडेंट भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भी विद्यार्थी होते हैं, उन वो भी कई बार ऐसे शिकार हो जाते हैं, और उनको जो है कैसे ठीक किया जाए। अभी क्योंकि छोटे लेवल पर कोई गंभीर बीमारी नहीं होती, हम इसको बीमारी मानते ही नहीं, हम जिस लेवल पर हमारे यहाँ लोग पढ़ते हैं क्लास में कॉलेज में, तो उनको ये इसको नहीं मान के चलते हैं कि इनको बीमारी है, उनको थोड़ा बहुत अगर कोई सिम्टम है, और उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है उनके परिवार में किसी को डिप्रेशन हो, तो अनुवांशिक बीमारी, डॉक्टर ने बताया था अभी, अब जो अनुवांशिक बीमारी है तो वो उनको कोई पीढ़ियों में दिखती है, कई जरूरी नहीं कि जितने भाई हैं सब उस बीमारी शिकार हों, हो सकता किसी में किसी भाई को हो गया हो या किसी बहन को हो गया हो, बाकी सब स्वस्थ हो। अब किसी को तीसरी पीढ़ी में कई बार बीमारी पहुंच जाती, बाबा बीमार थे, बाबा को दिक्कत थी, तब लोग समझ नहीं पाए, बहुत समझते रहे उनका, पोता हुआ या पोती हुई, उसको थोड़ी सी बीमारी उसकी आ गई। अब अगर समय रहते पता लग जाएगी ये डिप्रेशन है इनको या कोई समस्या है, तो दूर किया जा सकता है उसको, और ये तो बातचीत से भी सही हो सकती है। बहुत सारे हम लोग काउंसलिंग, बहुत सारे काउंसलर होते हैं, काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग मतलब यही है, उसके पीछे जाते हैं, तथ्य के पीछे जाते हैं कि अगर आदमी कोई चुप है, नहीं बोल रहा है, तो क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे हमने देखे लोग कि अब वो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, अपना घर में है, लेटे हैं, बस लेटे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, अरे बातचीत करेंगे, निकलेंगे तो कुछ अपनी बात कह पाएंगे, दूसरे की बात सुनेंगे, तो उनका कुछ सही हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे कारण हो जाते हैं। देखिए हमारे अभी हमने जो है परिचित हमारे थे, अभी उनके पिताजी की डेथ हो गई, फेसबुक सब लोग जानते हैं, फेसबुक व्हाट्सअप से सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग जान ही रहे हैं। अब मुझे पता लगा किससे, फेसबुक से। तब तक 600 लोग जो हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, चरणों में स्थान दे, और RIP पता नहीं क्या क्या लिख चुके थे। 2 घंटे के अंदर जब मुझे पता लगा तब मैं उनके घर पे गया, शाहजहाँपुर शहर के थे तो परिचित थे, हमने कहा चलो भाई चलते हैं उनके यहाँ, 2 लोग हम लोग देखने गए। जब उनके घर पहुंचे तो उनके यहाँ केवल एक आदमी बैठा हुआ था और 2 हम पहुंच गए। जब हम 2 पहुंच गए वो आदमी उठ के चला गया, बोले हम जा रहे हैं, बहुत देर से बैठे हैं। अभी आज की तारीख में अब आप देख रहे हैं कि जो दोस्त आपके बन रहे हैं वो सब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन कोई परमानेंट दोस्त आपका नहीं मिल पा रहा, नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, सब सोशल मीडिया में अपना टाइम पूरा बर्बाद कर रहे हैं, लगा रहे हैं और सब उसी पे चल रहे हैं,
और जब तक आप अपने कोई आपका अच्छा दोस्त नहीं है, आपका परिवार से अच्छे रिलेशन नहीं है किसी माँ बाप से भाई बहन से, तब तक अगर आपको कोई छोटी मोटी भी समस्या आती है तो आप उसको कह नहीं पाते, उनसे शेयर नहीं कर पाते हैं, और हम सोचते रहते हैं और कई बार सोचते दोस्त लोग, कई लोग अच्छे दोस्त जब नहीं मिल जाते हैं, कई लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, तो लड़के को लड़कियों को नशा करना सिखा देते हैं, बोले अरे एक बार यार तुम जो सिगरेट पी के देखो बहुत बढ़िया सिगरेट है, एक बार पी लोगे सारी समस्या दूर, एक बार हमने पी ली फिर वो रोज उस बिना उस सिगरेट के उसका काम ही नहीं चल रहा है। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं उनमें ज़्यादातर शराब पीना और जो है सिगरेट पीना, गांजा पीना, चरस पीना, ये सब चीज़ों पे जो है भांग खाना, ये सब चीज़ें में वो घूम जाते हैं। इसीलिए घूम जाते हैं क्योंकि वो अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़िया होती है, परिवार से अच्छी बात नहीं हो पाती है। और दूसरे देखिए हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो आप लोग देखते हैं कि कई लोग जो है अपने घर से अलग रूम लेकर रहते पढ़ते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो बहुत सी सारी समस्याएं हम अपने घर पे कह नहीं पाते। घर में जो है बहुत सारे लोग जो उनके आपके माता पिता वो आपकी इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं, वो आपको कहते हैं कि हमने तुमको पैसे भेजे तुम सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम क्या काम कर रहे हो क्या काम नहीं कर रहे हो, पढ़ाई का दबाव कई बार हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम आ गए हम पढ़ नहीं पाए कोई पेपर, अभी हमको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है। आप लोग जितने भी एग्जाम देते होंगे विद्यार्थी लोग, जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाती है, जैसे ही जो है स्कीम जारी हुई, सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, बस पढ़ते हम कई बार हम कॉलेज गेट पर देखते हैं इंट्री करने से पहले पेज लेकर लोग पढ़ रहे हैं, अरे क्या यार पढ़ोगे यार, अब तो इंट्री करना एग्जाम देना है, इतना दबाव रहते हैं कि जो है कई लोग देखा कुछ नहीं दो हेडिंग अपना हाथ पे लिख के चले गए, अंदर के बुक कर दिएगा, एक साल खराब हो गया। दो हेडिंग नहीं लिखोगे तो फेल थोड़ी हो जाओगे, जरा सी पर्ची लेके चले गए, हाथ में लिख के चले गए, लड़कों से पूछ रहे हैं, और सब जबकि ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है, आता है, बस कोई बार पूछते भाई क्यों पूछ रहे हो यार, अरे सर पक्का कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई आता है कि नहीं आता है। तो ये चीज़ें इसी की परिचायक होंगे, इसी चीज़ की पहचान है कि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। जैसे ही आप अपना आत्मविश्वास छोड़ देते हैं कम हो जाता है, आपको ये सारी समस्याएं घेर लेती हैं। और जो बीमारी है वो तो खैर बड़े लेवल की चीज़ है, उनकी बीमारी है, उनका दवाई है, उनके लिए अस्पताल अलग बने हुए हैं, बहुत सारे काउंसलर हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बताया ही बहुत सारा, लेकिन जो हम लोग स्टूडेंट हैं, जो हम लोग कॉलेज के विद्यार्थी हैं, हम लोगों को अभी इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंचने की जरूरत नहीं होती है, छोटे मोटे दबाव में रहते हैं, फीस जमा करनी है, ट्यूशन पढ़ने जाना है, सहेली के घर भी जाना है, पार्टी में भी जाना है, ये पढ़ाई भी करनी है, मैडम ने काम दे दिया वो भी करना है, इतने सारे काम रहते हैं। तो ये जनरली जो हमारे लोगों के बीच में जो हमारी समस्या है वो इस तरीके की रहती है। घर वाले का भी परिवार का भी दबाव रहता है, अगर घर में या कमरा लेकर रह रहे हैं तो भी घर का काम घरेलू काम ही करना है, या घर में है तो घर का भी काम ही करना है, पूरे दिन किताब लेके बैठे रहती हो, घर के लोग कहते हैं पूरे दिन किताब लेके बैठे रहती हो, पता नहीं क्या पढ़ती हो, धीरे धीरे ये हमारा दिमाग में स्वभाव में आ जाता है, तो हम जो है क्या तो मानसिक दबाव में आना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन या जो भी चीज़ें हैं, और उसके लिए आपसी कारण जिम्मेदार है या कोई ऐसी मानसिक कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई सामाजिक घटना हो जाए, कई बार उसके भी लोग शिकार हो जाते हैं, कोई किसी के बचपन में माता या पिता की डेथ हो गई, किसी बहुत करीबी दोस्त की डेथ हो गई, किसी के भाई की डेथ हो गई, और वो उसको पता नहीं चलता, वो उसके बारे में सोचता रहता है और किसी से कह नहीं पाता है, तो धीरे धीरे ये जो है बीमारी बन जाती है। जैसे आप मान लीजिए बहुत सारे परिवार हैं, उनके माता पिता इतना जागरूक नहीं है अपने परिवार के प्रति, वो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, आप सुबह सो के उठे, जब आप सो ही रहे थे तो आपके घर में झगड़ा की आवाज़ें शुरू हो गई, जब हड़बड़ा के आप उठे तो पता लगा घर में मारपीट हो रही, माता पिता में झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही, भाई बहन में हो रही है, माता भाई को मार रही हैं, भाई भाई मार रहा है, जो है पापा मम्मी को मार रहे हैं, मम्मी पापा को मार रहे हैं। अभी आप जो है अब जब आप छोटे हैं, आप सोच के आगे मैं पढ़ूंगा, ये काम करूंगा, आप तो मजबूरन वो सब सोचना पड़ता है, उसके ऊपर आप विचार करते हैं, सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे होगा, कौन जिम्मेदार है, या किसी लड़की है उसकी शादी नहीं हो रही है तो जो है परिवार के लोग कहते हैं भाई तुम्हारी शादी में इतना खर्चा करना है, तुम्हारे भाग्य नहीं अच्छा, बहुत सारी ऐसी जनरल बातें रहती है। तो जो है या फिर बहुत सारा कई बार आप देखा हो कि दिमाग में जो है मानसिक शरीर में बहुत सारे हमारे केमिकल बनते रहते हैं, उनका उतार चढ़ाव हो जाता है, तो उनकी वजह से कई बार हो जाता है कि कोई ऐसी दवाई खा ली, कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसे हमें पता नहीं है, दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है। नशा जरूरी नहीं कि सब लोग नशा ही करें, जानबूझ के नशा करें, दवाई कोई खा ली उसका साइड इफेक्ट हो गया और हमारा दिमाग गर्म हो गया और हम जो है उल्टी सीधी बात बाकी बात करने लगे, और लोग जो है बजाय इसके कि हम उनके सहानुभूतिपूर्वक उनसे बात करें,
सही डॉक्टर को दिखाएं, सही ट्रीटमेंट कराएं, उसको पागल पागल करके जो है सब लोगों ने घोषणा कर दी। गांव में ज्यादातर ये रहता है, गांव में देखा होगा सब लोगों ने कि जो है कोई छोटी बात, अगर कोई बात किसी बात से किसी को परेशानी होती है तो आदमी उसको चिढ़ाते हैं ना, इससे कि अगर वो अगर जो है अच्छी बात करें तो उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन गाँव में उसको जो है लोग जिस बात से उसे परेशानी है वो वही बात उससे करते हैं, उसका उस समय जो है उसका उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब ही रहता है और अंततः वो क्लास रात काले जाले पढ़ाई वढ़ाई बारे में सोच ही नहीं पाता, स्कूल जा ही नहीं पाता है। और एक एक समझ लिए एक आदमी का भविष्य, एक आदमी का जीवन जो है लोग नरक बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम लोग ध्यान दें और खासकर जो है जो युवा पीढ़ी है उनके टीचर और वो सब लोग आपस में ध्यान दें कि हमारा कोई दोस्त है वो आजकल कॉलेज नहीं आ रहा है, आजकल वो मिल नहीं रहा है, आजकल वो बात नहीं कर रहा है, आजकल वो चुपचाप रहता है, इन सब चीज़ों पे अगर आप छोटा छोटा ध्यान देना शुरू करें ध्यान दें अगर तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि कोई ना कोई उसको समस्या है। इसके अलावा अपना खुद पे अगर आप ध्यान देते हैं और आप देखते हैं कि आपके अंदर भी कई बार अंतर्द्वंद चलता रहता है, कई बार डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, दो चीज़ें किसी स्थिति आपके सामने आ गई, अब आप तय नहीं कर पा रहे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, कह भी नहीं पा रहे और जो है एकदम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तो कई बार इसमें भी चले डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर अगर आप छोटा छोटा भी समस्याएं, अगर शुरुआत में समस्या होती ही नहीं, समस्या तो बाद में हो जाती है जब बड़ी बन जाती है, तो अगर छोटी समस्या है और जो है अगर आप उसको ध्यान देते हैं, अगर आप समझने के प्रयास करते हैं समझते हैं और कम से कम आपके पास एक ऐसा टीचर कोई ऐसा हो जिसे आपको लगता है कि ये समझदार है, क्योंकि देता है आपको करना पड़ेगा कि यार हमारा कोई दोस्त है या हमारा गार्जियन है, उसको तय करने में बहुत टाइम लगाइए, उसको तय करिए, सोचिए कि ये वाकई में क्या जो मेरी अपेक्षाएं हैं जो हमारे मानक हैं उनके ऊपर ये डिपेंड है कि नहीं, उनके ऊपर ये खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है ना। कई बार जल्दबाजी में लोग ऐसे काम कर लेते हैं और वो समस्याग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए सब जरूरी है कि पहले जो हमारे दोस्त हैं उनका हम निर्धारण करें कि जो हमारे दोस्त हैं क्या वो मेरे लायक हैं कि नहीं, पढ़ने वाले हैं कि नहीं है, उनके लक्षण क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनकी फैमिली क्या है। अब क्या होता है दोस्तों दोस्त ही हो जाते हैं। अब कई लोग तो घर से अपने बहुत सारे पैसे खर्चा करने के लिए आते हैं, उन्होंने कहा ठीक है आज पार्टी होगी, आज हो गया तुमने पार्टी खाली बढ़िया, अब तुम्हारा नंबर आ गया पार्टी देने का, अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अब तुम्हारी इमेज भी खराब हो रही है, बदनामी हो रही है, तो सब इन सब चीज़ों के लिए आदमी परेशान हो जाता है या ऐसे काम करता है कुछ नहीं। तो बहुत सारे हमने लोग देखे हैं कि वो जो अपने घर से फीस के पैसे लाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए उनकी पार्टी कर लेते हैं, और जब बाद में गार्जियन को ही पता चलता है, कभी पेरेंट्स डे पे या फेल हो गए या कभी पता लग गया या दोस्त लग गया कोई टीचर में लग गए, पता चलता है कि ये तो हमारे यहाँ पढ़ते ही नहीं है और पैसे घर से ला रहा, फीस पूरी चल रही है। तो ये सब चीज़ें जानबूझ नहीं करता वो, बाय चांस उसमें अपने स्थिति में अपने जो अपना ऊंचा करने के लिए, अपना अच्छा व्यवहार दिखाने के लिए, मैं सोसाइटी भाई सोसाइटी का आदमी हूँ रहने के लिए, बहुत सारे ऐसे कामों में फंस जाते हैं और जिसको धीरे धीरे वो लगता तो अभी जनरल है ठीक है एक बार हमने झूठ बोल दिया चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। कई लोग अपने घर से पैसे भी ले लेते हैं, चुरा ले लेते हैं, घर से ले आते हैं और उसके बाद वो एक बार चुराया नहीं पकड़ेगा, दोबारा नहीं पकड़ेगा, या घर के लोग हैं माँ है फादर हैं कोई लोग इग्नोर कर दिया और भाई गया उन्होंने ठीक है यार पैसा ले रहा कोई बात नहीं कहीं मिल जाएंगे, अब वो पड़ जाती आदत उसके बाद हमें लगता ही नहीं कि हम चोरी कर रहे हैं। तो उसके बाद ये धीरे धीरे, और जब उसके बाद पैसे आपके पास आज हैं, आज आपके पास 500 रुपये 1000 रुपये 5000 रुपये हैं और जब पकड़ में आ जाता है या घर वाले बैन लगा देते हैं नहीं देते हैं या आप चोरी करते पकड़ जाते हैं तो जो है फिर आपकी स्थिति खराब होती है, मानसिक स्थिति और शारीरिक भी पिटाई भी करनी होती है। तो इन सब चीज़ों की जो स्थितियाँ हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पर कोई ध्यान नहीं देता, जनरली कोई ध्यान देता नहीं है, लेकिन देना चाहिए, आपको देना चाहिए कि हम दोस्त का निर्धारण कैसे करें, हमारे टीचर कैसे होना चाहिए, किन टीचरों से हम संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इससे जो है हम अपनी समस्या व्यक्त कर सकते हैं, मेरी समस्या है कि नहीं है, समस्या है तो क्या समस्या है, इसकी जड़ में जाइए समस्या क्या है और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर आप हम लोग ध्यान में रखेंगे और अपना जो है आपस में तय कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, सोच पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, जो लड़कियों की समस्याएं हैं, तो दूर नहीं हो सकती, दूर हो सकती हैं। अभी जनरली छोटी छोटी चीज़ें हैं कि सहेली का कोई प्रोग्राम है, मम्मी ने मना कर दिया शाम को नहीं जाना है, अब हम उसको जो है मुँह खुला के बैठ गए, टेंशन लेके बैठ गए कि वो हमारे यहाँ गई थी हम नहीं जाएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, घर वालों ने और डांट दिया, बस चूहे मार दवाई खा कर लेट गए। तो अब जनरल बात थी, छोटी सी बात है, इसमें अगर रात में अगर गार्जियन मना कर रहे हैं तो आप दिन में व्यवहार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप वहाँ जाएं,
या आपने कुछ ज्यादा जो है अपना ध्यान दे दिया अपने ऊपर और घर वालों ने कुछ कह दिया भाई इसकी जरूरत नहीं है, अब आप इतनी बात पे नाराज होकर लड़ाई झगड़ा कर लिया और हम तो देखा कई बार जो है मतलब गए फेल हो गए, और फेल तो कई लोग हो जाते हैं हाई स्कूल में, फेल गए टेंथ घट के मर गए। तो अभी इतनी बड़ी चीज नहीं है हाई स्कूल में फेल होना, इंटर में फेल होना या अभी कहीं पे, कि उसके लिए अपनी जान दे दी जाए, अगले साल ही फेल हो जाते हैं, इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी जनरल बातें हैं, तो जो जनरल बातें इनमें कोई बहुत कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण नहीं है, खतरा नहीं है कि इसके लिए इतना काम किया जाए। अगर छोटी छोटी बात पर अगर हम लोग ध्यान दें, जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान दें, तो इसको समस्या नहीं कर सकते हैं। और जो इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो डॉक्टर साहब ने जो बताया था पीपीटी बताई, वहाँ जहाँ के डॉक्टर साहब हैं वहाँ जाने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। तो अगर सब लोग इस तरीके से ध्यान देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और क्योंकि जैसा कि मैं शुरुआत की थी, 3 अक्टूबर का महीना ही मानसिक स्वास्थ्य दिवस का महीना होता है, तो इसमें अगर आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, शरीर का ध्यान रखेंगे, शरीर के साथ में मानसिक का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि कंप्यूटर के सब लोग जानकार हैं, जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें होती हैं, तो हार्डवेयर तो सबको दिखाई पड़ जाता है ऊपर से, सॉफ्टवेयर में कहाँ क्या गड़बड़ी हो गई पता नहीं चल पाता है और सारे रिजल्ट जो है गड़बड़ी करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं केवल इतना कहूँगा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारी सोचन है, जो हमारा चिंतन है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे और छोटी छोटी बातों पर समस्याग्रस्त नहीं होंगे। अपने टीचर से बात करेंगे, अच्छे दोस्तों से बात करेंगे, अच्छे मित्र रखेंगे और अच्छी सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। हमें यहाँ मौका दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो संयोजक मंडल है उसका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमको 5-10 मिनट का टाइम दिया। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे उद्बोधन के लिए। और अब मैं एक स्टूडेंट है रेणु देवी जी, उनका एक क्वेश्चन है डॉक्टर शेखर राजपूत सर से। उन्होंने पूछा है कि महिलाएं स्ट्रेस के लिए क्या करें, कैसे वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। हेलो सर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ, जैसा कि अभी डॉक्टर त्रिपाठी जी ने बताया था कि महिलाएं अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, तो डॉक्टर त्रिपाठी सर को मैं अभी सुन रहा था ध्यान से, उन्होंने कई बातें बहुत सही बताई थी। एक टर्म होता है कैथारसिस, साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है कि स्ट्रेस यानी विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अपने किसी भी मन की समस्या को अपने मन के अंदर न रखे रहे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में, किसी भी तनाव की स्थिति में, अगर आप अपनी समस्या को अपने भीतर ही भीतर रखे रहेंगे, घोटते रहेंगे, और कैथारसिस यानी शेयरिंग इज मस्ट, आप जो भी वेल विशर है आप उनसे अपनी समस्या को शेयर जरूर करें, और आप देखेंगे शेयर करने के बाद आपका मन, आपका तनाव काफी कुछ रिलीज हो जाएगा। और बेस्ट काउंसलर आपके वेलविशर, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले ही हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं हो सकता। इसलिए आप जब भी समस्या से ग्रस्त हों तो आप उन विपरीत परिस्थितियों को कोप करना, धैर्यपूर्वक उनको हैंडल कैसे करना है, मैनेज करना है, वो सीखना पड़ेगा आपको। समस्याओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बल्कि उनसे बाहर निकलने के रास्ते तलाशिए, क्योंकि अगर समस्याएं हावी हो गई तो फिर वहां पर मानसिक बीमारियां हावी हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा तनाव की स्थिति में। हेलो जी सर। जी सर, बहुत ही अच्छा समाधान सर आपने बताया। और बात अब मैं प्रोग्राम में वो टॉप के हम आखिरी इस चरण पे पहुंच चुके हैं, और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए डॉक्टर चारक सर जी को आमंत्रित कर कृपया।
धन्यवाद ज्ञापित करें डॉक्टर। थैंक यू मैम। आज सुबह के सत्र में हमारे साथ दो एक्सपर्ट डॉक्टर सिकंदर राजपूत सर जो कि आगरा से हमारे साथ जुड़े थे और हमारे ही महाविद्यालय के डॉक्टर प्रभा शुक्ला सर, आप दोनों का मैं महाविद्यालय की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से और तमाम जो छात्र और छात्राएं आपके साथ जुड़े, आपके लेक्चर से ज्ञानवर्धन उनका हुआ, उन सभी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने अमूल्य समय से अनेकों व्यस्तताओं के बावजूद हम लोगों के साथ जुड़कर हम सभी को एक नई चीज़ों से अवगत कराया और तमाम और हमारे साथी मेरे महाविद्यालय के मेरे सीनियर गण भी जुड़े हैं, मैडम त्रिपाठी मैम और इस मीटिंग के होस्ट सालीन सर और अन्य साथी जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ कंटिन्यू सुबह और शाम दोनों सेशंस में रहते हैं, उन सभी का मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाती हूं कुछ पंक्तियों के साथ कि जिस तरह से स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है उसी प्रकार स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है। इसलिए खुश रहे, प्रसन्न रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। ओके।